हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी अपन देख रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक मैंने मेरे नोट्स में से लिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिबेंचर क्या है। डिबेंचर जो है वो एक लोन है, ठीक है। लोन हमारी क्या होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो ध्यान देना, डिबेंचर इस पूरे चैप्टर में हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। वो भी कौन सी वैल्यू से? उसकी फेस वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से? फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, यानी हमेशा 100 रुपीज से क्रेडिट होगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सर, डिबेंचर होता क्या है? देखो, मैंने बता दिया डिबेंचर लोन है। वैसे तो एज पर कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी के जो रूल हैं उसके अंदर डिबेंचर के जो फीचर दिए गए हैं, तो पहली बात कही गई है कि डिबेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट विच इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। आप कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, ये वर्ड है, की वर्ड कहलाते हैं ये। ये आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे कि कंपनी ने कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दिया है ऑफ द डेप्ट टेकन बाय द कंपनी। कंपनी ने जो डेप्ट ली है, लोन ली है, उसके लिए लोन सर्टिफिकेट है, या फिर कह दो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है। द डिबेंचर आर इशूड अंडर द कॉमन सील, वही अपन इशू ऑफ शेयर में भी पढ़ के आए हैं। इट कंटेन द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच द अमाउंट बोरोड विल बी रीपेड। ऑब्वियसली किसी लोन लोगे तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप रीपेड कब करोगे। और ये जो लोन कंपनी ने लिया है इसको लोन कैपिटल भी कहते हैं। और डिबेंचर होल्डर जो है कंपनी के क्या हैं? क्रेडिटर्स हैं। सही है, जिन्होंने लोन दिए वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ध्यान देना, डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, जबकि मैंने शेयर्स के लिए कहा था कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, क्योंकि जो सेक्शन 53 था अपना, हमने जिसके लिए डिस्कस किया था, वो शेयर्स पे इसके लिए रिस्ट्रिक्शन डालता है, लेकिन डिबेंचर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर में हम देखते हैं, ये सबसे पहले फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें होता है मोर्टगेज डिबेंचर। ये डिबेंचर तभी इश्यू किए जा सकते हैं जब बदले में हमने कोई चीज गिरवी रखी हो, दैट्स व्हाई इसको कहते हैं मोर्टगेज डिबेंचर। और जब बिना गिरवी रखे ही हमने कोई डिबेंचर इशू कर दिया हो तो ये क्या कहलाते हैं? ये नेकेड डिबेंचर कहलाते हैं। सही है, आगे चलते हैं। फॉर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जिनकी कंपनी जो लाइफ टाइम में रिडम्पशन कर देगी, दिस डिबेंचर आर रीपेबल बाय द कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम। कभी भी उनको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, 5 साल, 7 साल, 8 साल, उसमें उनका रिडम्पशन किया जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर, जो कि ऑन विच इट इज नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के लाइफ टाइम में उनका रिडम्पशन होगा ही नहीं। तो रिडीमेबल डिबेंचर जो लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होंगे, ठीक है ना। फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो डिबेंचर जो बाद में इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आज वो डिबेंचर होल्डर है लेकिन बाद में उनसे डिबेंचर तो ले लिए जाए और बदले में उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिया जाए या प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया जाए, तो वो कन्वर्टेबल डिबेंचर कराते हैं। उसमें भी एक तो पार्टली कन्वर्टेबल, कि मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है, उसमें 50% कन्वर्ट हो सकता है, 50% नहीं हो सकता, और पूरा ही कन्वर्ट हो सकता है, तो वो कहलाते हैं फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिनको FCD कहते हैं, इनको PCD कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के सर, ये तो वो डिबेंचर है जो कभी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे ही नहीं, ये तो हमेशा डिबेंचर ही रहेंगे। फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यानी रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर तो वो होते हैं जिनके लिए जो कंपनी है अपने डिबेंचर होल्डर का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा का पूरा रखती है, उनके नाम है, उनके नंबर है, उनके एड्रेस है, सारी चीजें रखती है। और बियर डिबेंचर जो होते हैं उसमें तो ये होता है कि किसी का नाम कंपनी ने मेंटेन नहीं किया है, तो ये डिबेंचर यदि खो जाए और किसी और को मिल जाए तो वो उनका मालिक बन जाता है, तो ये बियर डिबेंचर तो बहुत रिस्की होते हैं। दैट्स व्हाई आजकल के रजिस्टर्ड डिबेंचर चल रहे हैं, कि यानी किसी मिस्टर एक्स के कोई डिबेंचर खो भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के रजिस्टर में तो नाम उसी का लिखा हुआ है, इसलिए वो रजिस्टर्ड डिबेंचर है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर में रिस्क कम होती है, लेकिन बियर डिबेंचर में तो बड़ी रिस्क होती है, खो जाए तो वो मालिकाना हक ही खत्म हो जाता है। फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो होते हैं जिनका रिडम्पशन सबसे पहले होता है, यानी अगर रिडम्पशन करना होगा तो सबसे पहले नंबर किन का आएगा? फर्स्ट डिबेंचर का। और सेकंड डिबेंचर वो होते हैं जिनका रिडम्पशन फर्स्ट डिबेंचर के बाद होता है। सही है। कॉलेटरल डिबेंचर होते हैं, ये वो डिबेंचर हैं जो कि कंपनी ने इशू कर दिए बैंक को लोन लेने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? कॉलेटरल डिबेंचर कहलाते हैं। ठीक है सर, डिबेंचर इशू करने का फायदा क्या है? तो देखो, कंपनी को पैसे की जरूरत है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फंड। अच्छा, इस पे इंटरेस्ट की रेट फिक्स है, यानी आपको एक फिक्स इंटरेस्ट हर साल चुकाना है, ज्यादा नहीं चुकाना है। और मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं होता, ये तो क्रेडिटर्स हैं, ये मैनेजमेंट का पार्ट हो ही नहीं सकते, इनको मैनेजमेंट में पार्ट लेने का कोई राइट ही नहीं होता इनको। और मोड डिविडेंड
टू शेयर होल्डर। अच्छा, जब इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका होता है तो जो भी प्रॉफिट बचा वो किसके लिए बचा? शेयर होल्डर के लिए। तो इसलिए शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट है वो उससे ज्यादा मिल जाता है, डिविडेंड जो है वो आपका ज्यादा मिल जाता है, ये भी अपन को देखना है। आगे चलते हैं बॉन्ड। सर बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए बॉन्ड भी एक तरीके के डिबेंचर ही हैं, पर बॉन्ड जो है पहले तो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते थे, लेकिन बाद में जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इनको इशू करने लग गई, और आजकल तो डिबेंचर का नाम की बजाय बॉन्ड का नाम ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए प्राइवेट कंपनीज भी है ना बॉन्ड के नाम से ही इनको इशू कर देती है। तो बॉन्ड इज जस्ट लाइक डिबेंचर, ये वही है जैसे कि इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर पे, वैसे इस पे भी इंटरेस्ट पे करना है। इसमें एक बहुत ही अच्छी टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड कह दो या जीरो कूपन बॉन्ड कह दो। देखो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, जीरो का मतलब जीरो, जीरो इंटरेस्ट रेट। तो जीरो इंटरेस्ट रेट सर ऐसे डिबेंचर कैसे होते हैं जो जीरो इंटरेस्ट रेट होते हैं? तो कंपनी क्या करती है ऐसे डिबेंचर पर इंटरेस्ट का बेनिफिट उनको नहीं देती, उनको जो बेनिफिट देती है डिस्काउंट का देती है। कंपनी कहती है देखो भाई 100 रुपए का डिबेंचर है, हम आपको उसको 65 में इशू कर देंगे, 35 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं। तो डिबेंचर होल्डर को फायदा ये हो गया कि अभी उसको 65 रुपए देने हैं, जबकि डिबेंचर कितने का है 100 का, यानी 5 साल बाद जब उसे डिबेंचर का रिडेम्पशन होगा तो उसे पूरे 100 रुपए मिलेंगे, यानी 35 रुपए का उसको फायदा हो गया। तो ये फायदा इतना बड़ा होता है कि कंपनी फिर उस पर इंटरेस्ट देती नहीं है, कंपनी उस पर इंटरेस्ट देती नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। इस पर फायदा होता है डीप डिस्काउंट का, डिस्काउंट बहुत गहरा होता है, तो इसको दो नाम दे दिए गए, डीप डिस्काउंट बॉन्ड जिस पर डिस्काउंट ज्यादा हो, और यह जीरो कूपन बॉन्ड जिस पर इंटरेस्ट ना हो, तो ये दोनों एक ही चीज है। तो कंपनी अपने फंड्स को इकट्ठे करने के लिए ऐसे डिबेंचर भी इशू कर सकती है। देन आता सर डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिबेंचर। तो देखो बॉन्ड कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट, इस पर इंटरेस्ट रेट जरूरी नहीं है कि तय हो, जैसा कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड में होता है, ठीक है, जबकि डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट रेट हमेशा तय होती है ना। जनरली बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है, जबकि जबकि डिबेंचर जो है सेमी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट करती है। वैसे ये डिफरेंस अब रहा नहीं, आजकल तो प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड इशू करने लग गई है। सर शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो ये शेयर हैं, ये डिबेंचर हैं, पॉइंट वाइज डिफरेंस है। नेचर की बात करें, शेयर जो है वो पार्ट ऑफ कैपिटल है, जबकि डिबेंचर जो है वो पार्ट ऑफ लोन है। होल्डर की बात करें तो शेयर का होल्डर जो है वो शेयर होल्डर कहलाता है, डिबेंचर का जो होल्डर है वो डिबेंचर होल्डर कहलाता है। स्टेटस की बात करें, शेयर का जो स्टेटस है वो ओनर के लिए, शेयर होल्डर को ओनरशिप देता है, जबकि डिबेंचर होल्डर जो है वो तो एक क्राइटर है सिर्फ, और कुछ नहीं। शेयर होल्डर को जो मिलता है फायदा वो कहलाता है डिविडेंड, जबकि डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, मिलता है आपका इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा आगे कहता है कि रेट ऑफ डिविडेंड चेंज हो सकती है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो सकती। रीपेमेंट की बात करें तो डिबेंचर्स को पेमेंट पहले मिलता है, शेयर्स को पेमेंट बाद में मिलता है, सही है। तो शेयर होल्डर को जो पेमेंट है वो बाद में किया जाता है, इसीलिए इनकी रिस्क जो है वो ज्यादा होती है कि भाई बाद में पैसा बचेगा या ना बचेगा। वोटिंग राइट की बात करें तो डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, यानी कंपनी में कोई भी डिसीजन हो उसमें डिबेंचर होल्डर कोई वोट नहीं दे सकते, जबकि शेयर होल्डर वोट दे सके। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, शेयर होल्डर जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, डिबेंचर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट। और प्रायोरिटी ऑफ रिफंड की पेमेंट की बात करें तो पेमेंट जो है पहले डिबेंचर होल्डर को होगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को होगा, ये बात पहले रीपेमेंट में भी लिखी हुई है। आगे देखिए सर इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो देखो इश्यू ऑफ डिबेंचर के कई तरीके हैं, फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश पब्लिक को इशू कर दो, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लो, और फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी लोन लेने के लिए आप बैंक को इशू कर दो। किसी भी तरीके से आप डिबेंचर जो है वो आप इशू कर सकते हैं। आगे देखें, देखो जब कैश के लिए इशू करते हैं तो आपकी एंट्री सारी वही है जो कि आपने इश्यू ऑफ शेयर के वक्त की थी, यानी वही चार इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो ये देखो बैंक टू डिबेंचर, ये तो अगर एक साथ ही मांग ले, अगर इंस्टॉलमेंट में मांगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और देन एप्लीकेशन ट्रांसफर हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये एक सेट हो गया। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, सेम वही। और कॉल के वक्त भी वही, डिबेंचर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, इसी सेकंड कॉल भी हो सकती है। इस तरह से पैसा होता है, इसमें एक बात ध्यान रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आपका हो सकता है, और इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन सेम वही होगा कि अगर एक्सेस पैसा आ गया तो वह एक्सेस पैसा कहाँ जाएगा, या तो अलॉटमेंट में जाएगा या कॉल में जाएगा, और या रिफंड हो जाएगा, सही है। तो
ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन सेम वही है जो इश्यू ऑफ शेयर में पड़ी थी। आगे बात करें, अच्छा उस ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, वो होगी सेकंड एंट्री में। अगर एक्सेस एप्लीकेशन आ गई, कुछ पैसा तो डिबेंचर में चल जाएगा, कुछ अलॉटमेंट में चल जाएगा और कुछ कॉल इन एडवांस में चल जाएगा जो कॉल में जाना हो, और बाकी का टू बैंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा जैसा कि आपने इश्यू ऑफ शेयर में किया था। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो प्रोराटा हो रहा है, और प्रोराटा का सारा एडजस्टमेंट जो आपका होगा वो कौन सी एंट्री में होगा, एंट्री नंबर टू में होगा, जो कि हम इश्यू ऑफ शेयर में भी पढ़कर आए हैं। सर इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम पे हो सकता है, जरूर हो सकता है कि 100 का आपका डिबेंचर है और आप 110 में इशू कर दो तो प्रीमियम पे हो सकता है। सर इसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, इसका एडजस्टमेंट थर्ड एंट्री में होगा। आपको याद होगा थर्ड एंट्री में ही आपने इश्यू ऑफ शेयर में भी इसका एडजस्टमेंट किया था। क्या एंट्री थी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसीलिए थर्ड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप क्रेडिट कर सकते हैं। सर इश्यू ऑफ डिबेंचर है, डिस्काउंट हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 53 इसकी परमिशन हमें देता है, वो प्रीमियम सॉरी वो डिस्काउंट जो रोकता है वो शेयर पे रोकता है, डिबेंचर पे नहीं रोकता है। दैट्स व्हाई थर्ड एंट्री के अंदर प्रीमियम भी थर्ड एंट्री में होता है और डिस्काउंट भी थर्ड एंट्री में होता है। बस प्रीमियम क्रेडिट होता है लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, सही है, और ये लॉस का रिटर्न ऑफ फिर हम अलग से पढ़ेंगे भी, है ना। और ये आपका डिस्काउंट का कंडीशन हो गया। देन आपका है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर कैश के अलावा हम कोई चीज भी ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। आपने कोई एसेट ली, फिक्स एसेट ली, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिक्स एसेट्स को डेबिट क्यों किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और वेंडर को क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट द गिवर। फिर हम उस वेंडर को शेयर इशू कर सकते हैं। देखिए वेंडर को पार पे डिबेंचर इशू किए तो वेंडर टू डिबेंचर, प्रीमियम पे किए तो वेंडर टू डिबेंचर तो प्रीमियम, और डिस्काउंट पे किए तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और आप परचेज कंसिडरेशन के लिए भी दे सकते हैं, हाँ सर कोई एसेट खरीदी हो उसके बदले में, कैसे इस कंडीशन में गुडविल का काम आएगा आपका। देखो कैसे, कि आपने एसेट खरीदी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, वेंडर में कौन सा अमाउंट आ जाता है, परचेज कंसिडरेशन का, इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, पीसी, फुल नेम क्या है, परचेज कंसिडरेशन, ये सब दे रखा है और डेबिट साइड कम पड़ रही है, तो डेबिट साइड जब भी कम पड़े तो बैलेंसिंग फिगर में यहाँ क्या लिखना है, गुडविल। जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो हो सकता है आपने पेमेंट ज्यादा किए हो, पेमेंट ज्यादा करना, जो पेमेंट ज्यादा किए हैं वो किस चीज के लिए किए हैं, वो अपने गुडविल के लिए किए हैं, दैट्स व्हाई यहाँ क्या डेबिट होता है, गुडविल। यही बात हम आगे देखते हैं कि अगर आपने पेमेंट कम किए हैं तो फिर वो बैलेंसिंग फिगर में जो आपका अमाउंट आता है, जो बैलेंसिंग फिगर में आपका जो अमाउंट आता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो ये डिफरेंस अमाउंट से हो रहे हैं, देखो तो डेबिट में कम पड़े तो गुडविल लिखना है और क्रेडिट में कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व लिखना है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, सही है। इसके अलावा आपका टॉपिक आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके लिए भी मैंने आपको नोटिंग में बताया था कि जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेने के लिए अपने डिबेंचर बैंक के पास गिरवी रख दे, कंपनी जो है अपने डिबेंचर किसको दे दे, बैंक को, तो इसको कहते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सही है। तो सर इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो ध्यान देना इसमें क्या होता है, बैंक जो होता है वो डिबेंचर होल्डर नहीं बनता, वो सिर्फ इन डिबेंचर का कस्टोडियन है, सही है, तो उसको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ बैंक ने कंपनी को कोई लोन दे रखा है, उस लोन पर इंटरेस्ट जो है वो उसको जरूर मिलेगा। अब इसके सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो देखिए इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो मेथड है, फर्स्ट और सेकंड, यही इनका नाम है। फर्स्ट मेथड में एक ही एंट्री होती है, कौन सी, बैंक टू बैंक लोन। मान लो आपने 1,25,000 के डिबेंचर इशू किए और आपने जो लोन लिया है वो आपने लिया है 1,00,000 का, सही है, तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,00,000 से, बस इसमें एक ही एंट्री होती है। सेकेंड मेथड कहता है सर ये एंट्री तो करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,00,000 वाली, लेकिन ये 125 का क्या, 125 तो हमने दिखाया ही नहीं, तो यहाँ एक एंट्री और करो सेकंड मेथड के अंदर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और ये अमाउंट होगा 1,25,000 जितने के डिबेंचर आपने इशू किए, क्योंकि आपने डिबेंचर को क्रेडिट किया ना,
तो डिबेंचर को क्रेडिट किया तो डिबेंचर का अमाउंट दिखाना पड़ेगा, डिबेंचर का अमाउंट कितना ऊपर 1,25,000, तो ये वाली एंट्री 125 से होगी। सर ये क्यों हुई? ये हुई फुल डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल डिस्क्लोजर याद है, 11th में पढ़ा था, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस शुड बी शोन इन द बिजनेस। तो डिबेंचर इशू किए तो दिखाया कहां, इस मेथड में तो दिखाया ही नहीं, तो इस मेथड में हमने दिखाया। और तो ये वाला जो मेथड है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का भी जो ध्यान है वो आपका रखा गया है, तो इसका स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के लिए मैं आपको कहूंगा कि जो कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस पर इंटरेस्ट भी देना है, और वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, और उसके लिए जो आपकी एंट्रीज होती हैं उसको अगर अपन देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट क्योंकि आपका खर्चा है, टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर आपके क्या बन गए, क्रेडिटर्स बन गए, और मान लो 100 रुपये का आपको इंटरेस्ट चुकाना है, और 10% उस पर इनकम टैक्स पेबल है, इनकम टैक्स को TDS भी कहते हैं, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, 10% TDS चुकाना है, तो डिबेंचर होल्डर को सिर्फ 90 ही दिया जाएगा, क्योंकि उस पर जो 10% टैक्स 100 पे वो तो गवर्नमेंट को देना है, वो अलग रख लो, क्योंकि ये भी तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 रुपये वो गवर्नमेंट को चुकाए, और डिबेंचर होल्डर को कितने देने हैं, 90। नाउ डिबेंचर होल्डर जिसको हमने क्रेडिट कर रखा था उसको हमने डेबिट किया, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू बैंक, और उसको वो 90 रुपये पे कर दिए। जो इनकम टैक्स हमने क्रेडिट करके लायबिलिटी बना रखा था उसको भी हमने डेबिट किया 10 रुपये, और उसको भी हमने टू बैंक करके पेमेंट कर दिया, तो ये दोनों लायबिलिटीज का पेमेंट है, सही है ये दोनों, क्योंकि हमने इनको क्रेडिट किया था ना, क्रेडिट करने से वो हमारी क्या बन गई थी, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को पेमेंट करना तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ लायबिलिटी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका खर्चा है जो कि डेबिट हुआ है, अब उसको क्रेडिट करके क्लोज करना जरूरी है, तो ये जो डेबिट हुआ है इसको आप यहां आकर क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, ऐसे इंटरेस्ट का अकाउंट क्लोज हो गया। सर चार्ज कहां से करना है, चार्ज करना है P&L से, पर कंपनी तो P&L बनाती नहीं है, कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, यहाँ अकाउंट ही नहीं लिखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट है, यहाँ अकाउंट नहीं आ सकता, यहाँ अकाउंट अगर आपने लिख दिया तो काट दिया जाएगा, ध्यान रखना ये स्टेटमेंट है, यहाँ स्टेटमेंट डेबिट होता है ना कि अकाउंट डेबिट होता है, इसकी एंट्री क्या हुई, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट डेबिट किया था 100 रुपये से वो 100 रुपये से यहाँ आपका क्रेडिट हो गया, इससे इंटरेस्ट का अकाउंट क्या हो गया, आपका क्लोज हो गया, सही है। तो ये जो सब चीजें हैं ये अपन ने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, एक दो बार आप इसके अच्छे से रीडिंग करें तो ये चीजें जो है आपको इजीली याद हो जाएंगी, ओके। तो ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा मेमोरी बेस पर है, थ्योरी काफी ज्यादा है और अचानक अगर आ गई तो आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अच्छा इसके लिए आप एक काम और करिएगा, चैप्टर के पीछे 1 लाइन के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें चैप्टर की छोटी छोटी बातें ऑलमोस्ट जो है वो सारी कवर अप हो जाएंगी, ओके। थैंक यू।